बात करते हैं इस्लाम धर्म के त्यौहार ईद उल जुहा या ईद उल अजहा या जिसे आम भाषा में बकरीद कहते हैं। इस्लाम में बकरीद का विशेष महत्व है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी। तब खुदा ने इब्राहिम के जज्बे को देखकर इस्माइल की जगह दुम्बा यानी बकरी को रख दिया, जिसकी कुर्बानी हुई। इस पर्व को हजरत इब्राहिम और इस्माइल को याद करते हुए इस्लाम धर्म मानने वालों द्वारा बकरे की कुर्बानी कर मनाया जाता है। देश के कई बड़े उलेमाओं सहित छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने इस बकरीद त्योहार को लेकर मुसलमानों से अपील की है कि इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर रमजान और ईद की तरह ही एहतियात बरतें। उन्होंने कहा है कि लोग बेवजह घरों से ना निकलें, एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना करें, साथ ही ईदगाहों में नमाज ना पढ़ी जाए, सब अपने घरों में नमाज पढ़ें। मस्जिदों में 5 प्रमुख लोगों को नमाज पढ़ने की छूट दी गई है। साथ ही शासन प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका पालन करने की अपील की गई है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो शासन प्रशासन, वक्फ बोर्ड और उलेमाओं के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। खुदा ने कहा है, अगर आप धनवान हैं और मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो देख लें आपके आसपास कोई गरीब तो नहीं है जो भूखा है, उसकी मदद पहले करें, चाहे वह कोई भी धर्म, कोई भी जाति का हो, उससे बड़ी कोई इबादत नहीं। आइए कुछ ऐसा करें, उस कुर्बानी के पैसे को गरीबों में बांट दें, जिससे कोई गरीब इस महामारी में अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था कर सके। जान ले खुदा के नेक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, आपके द्वारा की गई गरीबों की मदद से मैं ज्यादा खुश होता हूँ। आप सबसे कहना चाहूंगा कि बकरीद की नमाज के बाद खुदा और उसके रसूल से दुआ करें कि इस कोरोना महामारी से हम सबको निजात दिलाएं और इस दुनिया में अमन चैन कायम हो। इसी दुआओं के साथ शुक्रिया।